इंदौर नगर पालिका निगम ने सरवटे बस स्टैंड के पुनरोद्धार का जिम्मा उठाया था। यह प्रोजेक्ट करीबन एक साल में पूरा होना था, लेकिन तीन साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक सरवटे बस स्टैंड से बसों का संचालन या कहीं ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। इस मसले पर अब कांग्रेस ने भी मैदान संभाल लिया है। सोमवार को कांग्रेस ने सरवटे बस स्टैंड को शुरू नहीं किए जाने के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। कांग्रेस इस मसले पर चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी, जिसकी शुरुआत हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरवटे बस स्टैंड को शुरू नहीं किए जाने के कारण यहां के आसपास के व्यापारी बेहद परेशान हैं। पिछले लंबे समय से उनका व्यापार व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है, जबकि इनकी सुनवाई करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सरवटे बस स्टैंड पिछले चार साल से बंद पड़ा है, इसके कारण यहाँ की दुकानें, लॉज, होटल वाले, रिक्शे वाले सब आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। पाँच महीने से बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन यानी ऐसा कौन सा मुहूर्त सरकार ढूंढ रही है कि अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। एक समय सरवटे बस स्टैंड की चहल पहल देखने लायक थी। 750 से ज़्यादा परिवार यहाँ पर आश्रित डायरेक्ट काम करते थे, हजारों परिवार यहाँ से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, लेकिन जब से सरवटे बस स्टैंड बंद हुआ है यहाँ के लोगों की रोजी रोटी में छिनाई बात बनाई है। एक समय यहाँ की होटलों में पैर रखने की जगह नहीं थी, आज गिनती चुनती के ग्राहक दिखते हैं। गरीब आदमी बस स्टैंड पर आता था, कम पैसे में रुकता था, कम पैसे में खाता था, चाय पीता था, MY इलाज कराने जाता था, खरीदी करने जाता था, विश्वविद्यालय में छात्र अपना काम निकालने जाता था। आज राजवाड़े के आदमी को पालदा बस स्टैंड जाने के 150 रुपये लगते हैं और पालदा बस स्टैंड से खरगोन जाने के 120 रुपये लगते हैं। आप देखिए कि इतनी महंगाई में आज के समय सरवटे बस स्टैंड बीच शहर के हृदय स्थल है। यहाँ पर किसी को आने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ना पैसा लगता है। हम शासन से मांग करना चाहते हैं कि सरवटे बस स्टैंड जल्द से जल्द चालू करा जाए। इसको लेकर आज हमने शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान व्यापारियों के बीच में करा है, दुकानदारों के बीच में करा है, मजदूरों के बीच में करा है, रिक्शे वालों के बीच में करा है, पान वालों की, चाय वालों के बीच में करा है, कि आप सबकी जो पेट पर लात पड़ी है ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, वापस आपके चेहरे पर रौनक आए, आपकी जेब में पैसा आए और आपके घर परिवार में खुशी मनाने का मौका आए। इसलिए हम आज हर दुकानदार के पास जाकर हस्ताक्षर अभियान में भाग ले रहे हैं, उसका समर्थन जुटा रहे हैं। उसके पश्चात नगर निगम कमिश्नर को हम शर्मिंदा करेंगे कि चार पाँच महीने से गरीब आदमी को खाने को नहीं, कमाने को नहीं, क्यों ना बस स्टैंड चालू करा जाए। उसके बावजूद भी अगर बस स्टैंड चालू नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बस स्टैंड का उद्घाटन करेंगे और बसों का आवागमन हम चालू करेंगे। सरवटे बस स्टैंड पर बसों का संचालन जल्दी नहीं शुरू हुआ तो उस दशा में कांग्रेस आंदोलन की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।